सकता है। सामने आपको इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आलिशान बिल्डिंग्स दिख रही हैं, आलिशान जबरदस्त बिल्डिंग है, और ये बहुत महंगा एरिया है। यहाँ रहना मतलब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जो करोड़ों की सैलरी होती है, जो बोलते हैं हमारी 1.5 करोड़, मतलब लाइफ अच्छी जी जाती है, लाइफ चिल जाती है, मतलब किसी बंदे को परेशानी नहीं आती यहाँ पे। लेकिन भाई कुछ चीज़ें मेरे को तो बिल्कुल विपरीत देखने को मिली। ये इन्जॉय करते हुए लोग भी दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी दिख रहे हैं, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत भी दिखा है। मैं सोचा करता था अंग्रेज जब अपने देश में आया करते थे तो बस के अंदर से बैठ कर ना फोटो आप लोगों ने शायद लेते देखा भी होगा। मैंने कई बार देखा अंग्रेज ना हमारे गरीब लोगों की फोटो लेते हैं, मतलब ऐसे टोपी लगा रहे हैं जो ऐसे करके ना ऐसे फोटो लेते देखते थे, मेरे को बड़ा अजीब लगता। मैं सोचा करता यार हम गरीबों की ये फोटो ले, लेकिन देखो भाई यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी गरीब भी है, ऐसी बात नहीं। आप बोल सकते हो ये सामने महिला दिख रही ना, ये जो गाड़ी दिख रही ना इसकी, ये पहिए वाली, इसके अंदर इसका पूरा रहने का है, कपड़े वपड़े सारे इसके अंदर है, खाने वाने का सारा सिस्टम इसके अंदर। देखो रोड पे तैयार हो रही है ऐसे अपना सर धोने लग रही है। वो बंदा नशे की हालत में पड़ा ना, वो अमेरिका का ही है। और देखो ऐसे बस स्टॉप के ऊपर ना बिल्कुल वैसे लटक गया, झूल रहा है, उसको खाने पीने सिस्टम भी बगल में रखा है, क्या खाए पिएगा वो। तो इस तरह की हालत में रहते हैं, इनके घर भी दिखाऊंगा मैं, घर में कैसे कैसे घर हैं इनके लोगों के, कैसे रहते हैं। ये जो सामने दिख रहा है देखो ये बंदा, ये सो रहा है भाई। ओवरडोज की वजह से नहीं, नशे की ओवरडोज की वजह से बहुत से लोग मर जाते हैं, इतना ज़्यादा नशा है फैला हुआ है यहाँ पे। और आप देखेंगे मैं इनके जो बगल में तंबू दिख रहा है ना, जो हरा हरा तिलपार दिख रहा है, ये इनके घर है। ये देखो मैं इनके टेंट दिखा रहा हूँ, टेंटों के अंदर रहते हैं ये लोग। सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी दिख रही है, लेकिन भाई बिल्डिंग के साथ में लोग रहते भी टेंटों में है, मतलब दोनों पहलू हैं, सिक्के के दोनों एरिया हैं। जहाँ ज़बरदस्त बड़ा मज़ा आता है, ऐसा लगता है विदेश में आ गया हूँ। तो भाई विदेश में भी ऐसी गरीबी होती है मत सोचना। यहाँ जो टेंट दिख रहे देखो ये लोग ऐसे टेंटों में रहते हैं, पूरा खाना पीना सोना इनका इसी में होता है। दिन में ये लोग काम करने चले जाते हैं और रात को आगे ही रहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ सर्वाइव करना ना सही में बहुत मुश्किल है। इतना खर्चा होता है एक बंदे का, यहाँ करोड़ों में कमाते तो भाई लाखों में खर्च भी होते हैं। तो ये मत सोचना कि, और हम तो बड़े किस्मत वाले गए यहाँ घूम।